Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Janagar Madam. This is Janagar Madam and you are watching on Janagar Madam. In today's video we will learn advanced English structure and today is day 35 advanced English structure. जी हाँ guys, आज हम लोग advanced English structure day 35 में आ चुके हैं और आज का जो हमारा सेंटेंसेस है बहुत ही इजी है और आम बोलचाल के सेंटेंसेस है. जब बोलना हो कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने की, कोई तो तरीका होगा इसे सही करने का, कोई तो तरीका होगा इससे बचने का, कोई तो तरीका होगा उससे पीछा छुड़ाने का. तो गाइज आज के इस क्लास में हम लोग इसी तरीके से सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं. गाइज अभी जस्ट आपने इन सारे सेंटेंसेस को सुने हैं तो एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, एक चीज कमन आया हुआ है जो कि है कोई तो तरीका होगा, जो कि सारे सेंटेंस में क्या है कॉमन है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे कोई तो तरीका होगा के लिए यूज करेंगे देयर मस्ट बी सम वे. देयर मस्ट बी सम वे, आपको इस फ्रेज को याद रखनी है. जब भी आपको बोलनी हो कोई तो तरीका होगा तो आप बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे. तो आइए जानते हैं इसको स्ट्रक्चर में रख करके. तो सबसे पहले कोई तो तरीका होगा, इसकी इंग्लिश लेनी है देयर मस्ट बी सम वे. देयर मस्ट बी सम वे, इस फ्रेज को आपको याद रखनी है. इसकी हिंदी होती है कोई तो तरीका होगा, उसके बाद आप टू का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देयर मस्ट बी सम वे प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का. तो सबसे पहले कोई तो तरीका होगा, इसकी इंग्लिश लेनी है देयर मस्ट बी सम वे. देन उसके बाद टू का यूज करना है टू. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ढूंढने, तो क्या हो जाएगी फाइंड फाइंड. देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है उसे हिम. देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड हिम. देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड हिम. यदि लड़की होगी तो आप यहां पे हर का यूज करेंगे. ओके जैसे देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड हर. आई होप कि गाइज आज का स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा. इसके बाद हमारा सेकेंड सेंटेंस है कोई तो तरीका होगा उससे बात करने की. तो क्या सबसे पहले यूज करेंगे देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा देयर मस्ट बी सम वे. देन उसके बाद टू का यूज करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बात करने टॉक. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है उससे टू हर. देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हर. देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हर.
यदि लड़का होगा तो आप यहाँ पे हिम का यूज करेंगे। जैसे देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम। गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, ओके? आपको मेरे साथ साथ बने रहना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, लिसन करना है, एंड सेकेंड टाइम है आपको मेरे साथ साथ से अलाउट बोल बोल कर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो इंग्लिश है उतनी जल्दी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो आपको बने रहना है। कोई तो तरीका होगा इसे सही करने का। देयर मस्ट बी सम वे, देर उसके बाद टू क्या है, सही करने, फिक्स ऑब्जेक्ट इसे, इट देयर मस्ट बी सम वे टू फिक्स इट। There must be some way to fix it. कोई तो तरीका होगा इसे बचने का। There must be some way to, क्या है इससे बचने का, avoid it. यहाँ पे आप इट के जगह पे आप दिस का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू अवॉइड इट, देयर मस्ट बी सम वे टू अवॉइड इट। यदि आप दिस का यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू अवॉइड दिस। तो गाइज मेरी वीडियो आप सोचो कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही मेरे साथ साथ बने रहिए। आई होप कि गाइज आप मेरे साथ साथ बने रहेंगे, ओके? और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, ओके? कोई तो तरीका होगा उससे बचाने की। There must be some way. देन उसके बाद टू का यूज करना है, देन उसके बाद टू का यूज करना है, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बचाने, सेव, सेव उससे, him. There must be some way to save him. There must be some way to save him. यदि लड़की होगी तो आप यहां पे her का यूज करेंगे। जैसे there must be some way to save her. कोई तो तरीका होगा उससे पीछा छुड़ाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करनी है, क्या है उससे पीछा छुड़ाने का, गेट, गेट रीड, गेट रीड ऑफ हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हिम, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हिम।
यदि लड़की होगी तो आप यहाँ पे हर का यूज करेंगे, ओके। जैसे देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हर, कोई तो तरीका होगा यहां से भागने का। देयर मस्ट बी सम वे, देन उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां से भागने का तो क्या हो जाएगा, एस्केप फ्रॉम हेयर, एस्केप फ्रॉम हेयर। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम हेयर, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम हेयर, कोई तो तरीका होगा उसे बर्बाद करने का। देयर मस्ट बी सम वे, देन उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है उसे बर्बाद करने का, डिस्ट्रॉय हिम, डिस्ट्रॉय हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू डिस्ट्रॉय हिम, देयर मस्ट बी सम वे टू डिस्ट्रॉय हिम। यदि लड़की होगी तो आप यहां पे हर का यूज करेंगे, जैसे देयर मस्ट बी सम वे टू डिस्ट्रॉय हर। एंड लास्ट सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा फ्राटेदार इंग्लिश बोलने की। देयर मस्ट बी सम वे, मतलब कोई तो तरीका होगा, उसके बाद क्या है फ्राटेदार इंग्लिश बोलने की, तो टू का यूज पहले करेंगे, ओके, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फ्राटेदार इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नाउ गाइज योर टर्न, अब आपकी बारी है, मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूं। जब बोलनी हो कोई तो तरीका होगा कुंभकर्ण को जगाने का, दिस सेंटेंस फॉर यू। तो गाइज मेरी वीडियो आप सभी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।